यरोमन अन्यंगाश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कल 28 फरवरी को जोंगकुक ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया। इसके बाद से ग्लोबल आर्मी एक्सट्रीमली सैड फील कर रही है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि जोंगकुक को अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करना पड़ा। तो हम आपको इस बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दें। उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, जिससे BTS की कोई भी न्यूज आपसे मिस ना हो। दोस्तों, अगर आप BTS की हर एक न्यूज से अपडेटेड रहते हैं तो आपको पता होगा कि लास्ट वन वीक से ऐसी न्यूज आ रही थी कि BTS जोंगकुक पर कोई नजर रख रहा है और उस पर्सन को जोंगकुक की हर एक एक्टिविटी के बारे में पता होता है कि जोंगकुक कहाँ जा रहे हैं या जोंगकुक के इंडिविजुअल स्केड्यूल क्या है। तो जब आर्मी को इस न्यूज के बारे में पता चला तो आर्मी ने जोंगकुक की सेफ्टी को लेकर बिग इट एंटरटेनमेंट में ढेर सारे मेल किए, जिसके बाद अब इंटरनल सोर्सेज से ऐसी न्यूज आ रही है कि ये न्यूज जोंगकुक के इंस्टाग्राम अकाउंट से ही लीक होना स्टार्ट हुई और बाद में फिजिकल स्टॉकिंग की जाने लगी, जिसके बाद और रिसर्च की गई तो पता चला कि लगभग 25% जोंगकुक की न्यूज या कहें कि सारी इंफॉर्मेशन लीक कर रहे थे, जिसे एक रिच गर्ल परचेज कर रही थी। इन शॉर्ट, ऐसा कहा जा सकता है कि एक रिच गर्ल ने जोंगकुक जहां भी जाते हैं उन सभी जगहों के लगभग 25% को JK की इंफॉर्मेशन या हर एक एक्टिविटी देने के बदले पैसे देने की डील की थी, जिसकी शुरुआत जोंगकुक की एक फीमेल स्टाफ से हुई, जिस पर स्टार्टिंग में किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब JK की पर्सनल पिक्स और वीडियोस वायरल होना स्टार्ट हुई तो हाइव लेवल्स ने और उनकी सिक्योरिटी कंपनीज ने इस पर ध्यान दिया तो पता चला कि ये रिच गर्ल जोंगकुक के करीब आना चाहती थी और उनसे दोस्ती करना चाहती थी, इसलिए उसने जोंगकुक पर नजर रखना स्टार्ट कर दिया। हालांकि अभी तक इस रिच गर्ल के बारे में बिग इट एंटरटेनमेंट को कुछ भी पता नहीं चला है, लेकिन इस न्यूज के वायरल होने के बाद से आर्मी एक्सट्रीमली एंग्री है और कह रही है कि लास्ट ईयर जब BTS मेंबर्स अपने कॉन्सर्ट के लिए पेरिस गए थे, उस टाइम भी कोई उन पर लगातार नजर रख रहा था और उसने नाइट में जोंगकुक को कॉल भी किया था, जिसे ग्लोबल आर्मी ने लाइव के बीच खुद देखा था, जिसे देखकर जोंगकुक काफी डर गए थे। और अब इस तरह की न्यूज वायरल होना और जोंगकुक का अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करना बताता है कि ये मैटर काफी सीरियस है, इसलिए जोंगकुक ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया है। इसके साथ ही आर्मी बाकी BTS मेंबर्स की सेफ्टी की भी डिमांड कर रही है और कह रही है कि BTS मेंबर्स को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। वेल, ये न्यूज इंस्टाग्राम और कोरियन मीडिया में लगातार वायरल हो रही है, लेकिन इस न्यूज में कितनी सच्चाई है इस बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड सारंगे हो।